ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शैलेंद्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से सीनियर सिटीजन कोटा में आप किस प्रकार टिकट बुक कर सकते हैं और आपको कमीशन कैसे मिल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सिंपल आप लोगों को करना क्या है, प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। इसके बाद इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं। आप देख सकते हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में अपडेट भी आ चुका है। यदि आपने अभी तक अपडेट नहीं किए हैं तो आप लोगों को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद यूजर नेम, पासवर्ड, इसके बाद कैप्चर फिल करने के बाद फिर से आपको लॉगिन करना है। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, प्लान माई जोनी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फॉर्म स्टेशन सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को फाइनल पेमेंट तक जाऊँगा और बुक करके भी टिकट दिखाऊँगा। हमें जाना है आपको यहाँ पर मानसी जाना है, तो मैं मानसी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम डिपार्सल डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कल के डेट में हमें वैशाली में बुक करना था लेकिन वैशाली ट्रेन जो है कैंसिल था, इसलिए हमें 28 जनवरी का बुक करना है। सिंपल हम सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे। सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद इस रूट में 28 जनवरी के डेट में जो भी ट्रेन चल रहे हों ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ट्रेन ऐसे भी है जो यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं। कल के डेट में तो काफ़ी ज़्यादा और भी कैंसिल थे, तो यहाँ पर देख भी सकते हैं अवध असम हो गया, ये भी कैंसिल है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वैशाली ट्रेन है जो कि न्यू दिल्ली से 8:40 में खुलने वाले हैं और मानसी शाम को 7:18 में छोड़ने वाले हैं। तो 22 घंटा 38 मिनट लेता है। तो यहाँ पे स्लीपर क्लास में बुकिंग करना है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 2A स्लीपर और 3rd AC, सेकेंड AC और फर्स्ट AC में आपको वेटिंग चल रहा है। तो मैं आपको स्लीपर पर क्लिक कर सकता, स्लीपर पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 78 वेटिंग है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद एग्री पे क्लिक करेंगे, इसके बाद एज पैसेंजर पे क्लिक करेंगे और पैसेंजर डिटेल हमें फिल करना है। तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पैसेंजर डिटेल फिल कर दिया हूँ। इंदुला देवी, 51 साल, फीमेल, क्योंकि तो लेडीज़ का टिकट हमें बुक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर भी मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद मैं ऊपर की तरफ करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मैं एड्रेस भी फिल कर दिया हूँ। इसके बाद सिंपल हमें जोनी डिटेल पर क्लिक करना है। तो आप वहाँ पर देखे थे 78 जो था वेटिंग चल रहा था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर सिटीजन कोटा में अभी भी 7 सीट अवेलेबल है। इसके बाद हमें नीचे की तरफ आना है। इसके बाद यहाँ पे हमें कैप्चर फिल करना है, तो मैं फटाफट कैप्चर फिल कर लेता हूँ। इसके बाद प्रोसेस टू पे पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद यस करता हूँ। तो आप यहाँ पर टिकट देख सकते हैं 607 रुपये के आसपास का पेमेंट यहाँ पर हमारे अकाउंट से कटेंगे। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन में कंसेशन नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला है और कब से मिलने वाला है ये मैं टिकट बुक करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो वॉलेट का ऑप्शन आ चुका है, मल्टीप्ले पेमेंट ऑप्शन का भी ऑप्शन है। तो सिंपल मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमें नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पर पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग पर सेलेक्ट किया हूँ। इसके बाद सिंपल हमें यहाँ पे क्लिक करता हूँ। पे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। हमें नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद पे पे क्लिक करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे 619 रुपये हमारे अकाउंट से कटेंगे। इसके बाद 12 रुपये के आसपास बैंक चार्ज भी करते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर दिया हूँ। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर से नीचे की तरफ आएंगे और फिर से हमें कंफर्म पे क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएंगे, तो OTP हमें फिल करना है। तो मैं फटाफट सबसे पहले OTP फिल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे OTP फिल कर दिया हूँ। इसके बाद हमें कंफर्म पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पेमेंट हो चुका है। इसके बाद देखते हैं टिकट बुक होता है या फिर नहीं होता है। तो इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर टिकट हमारा बुक हो चुका है और देख सकते हैं PNR नंबर भी आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट नंबर भी आ चुका है। S6 में 20 नंबर लोअर बर्थ मिला है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे सीनियर सिटीजन का जो कमीशन है कब से मिलने वाला है। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ, सीनियर सिटीजन का जो कमीशन जो है आप लोगों के मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा काफ़ी ट्रेन जो है अभी तक नहीं खुला है। तो जैसे ही सारे ट्रेन चलने लगेंगे तो आप कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके बाद
बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलन चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में।